हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या करिए यार, की जीभ इतनी चलती है ना गाइस, आजकल फैटी जीभ बाहर निकालती है। नेल कटर लेके आ गई, कहंदी तेरी जीभ कटांगी। किदां तुसी सारे, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। स्वागत है तुहाडा सबदा। आई होप तू सारे वधिया होगे, कैंट होगे। ये कभी जाती है कभी आती है, कुछ समझ नहीं आता यार। एक चीज रखा, याती आ याती जा। तेनू क्या है, की करे करदी? मैनू बोलन ते इंट्रो ते करन दे आज दी। पता नहीं नेल कटर लेके मेरे पीछे पड़ी हुई है सुबह से। यार गाइस बोलो ना इसको, मुझे बोलने दे। अच्छा तू बोल फिर। बोल, अगर मेरी बुंडी से बाल निकल जाए तो तेरी गलती है। तेनू बोल रही हूँ, बोल फिर बोल। हेलो गाइस, सो गाइस हम सुबह थोड़ा जल्दी उठे थे क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने की। मम्मा गए हुए मासी के घर। एक्चुअली जो गुरनूर है ना, मेरी मासी का बेटा, वो बीमार हो गया था, उसको कुछ इन्फेक्शन हो गई थी। तो मम्मा फिर रात को उनके घर ही थे, तो उधर ही चले गए थे। ब्रेकफास्ट बनाया दोनों ने, पर मजा बनाया, बहुत यम्मी सा ब्रेकफास्ट बनाया था। तो आगे का अभी कुछ नहीं पता यार, काम बहुत ज्यादा है। इतना काम है कि आज मैं अपनी चोटी भी नहीं करूंगी, बस बैठ जाऊंगी अभी जाके लैपटॉप पे। ज्यादातर बना हुआ है, बस मामा बना के गए थे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जैसे जैसे चलता रहेगा आज का दिन आपको बताते रहेंगे। अभी मैं लैपटॉप पे काम करने लगी हूँ, तो शायद थोड़ी देर के बाद कहीं जाना पड़े। अभी तो 11:15 हुए, 12:30 तक उठते हैं। ये देखो अर्षी दीदी कितनी सुंदर बन के आई है गाइज। टाइम हो गया है 12:30 और दीदी देखो क्या चांद का टुकड़ा लग रही है। इरिटेट होती ना गाइज, जिन्हें मैं बोला ना, इसके पागल पागल है। और एक्चुअली ना पापा को दिखाने जाना है डॉक्टर के पास। अर्षी तू जा रही है साथ में? जा फिर, हुआ फिर आके रोटी खाते हैं। हाँ? ग्यारह फुलके इतनी गर्मी में कौन खाता गाइस? फोन करेंगे, फोन करो फिर, सैलेड तू काटेगी आके। बोल, सारे जो बर्तन लगाए हैं बाथरूम साफ किए, तो उन्हें कर सैलेड कट गई। और गाइस मेरे तो ऐसे तोते उड़े हुए, काम कर रही हूँ और इतना भी टाइम नहीं मिला कि बाल ठीक करूँ, थोड़ा सा स्किन केयर करूँ। तो पापा को ना एक्चुअली थोड़ा सा बैक में पेन है एक दो दिन से, तो मैं बोल रही हूँ कि अर्षी को तू भी साथ में चले जाए, तो लड़ाई कर रहे हैं। पापा कहते मैं कल चल जाऊंगा, अर्षी कहती नहीं मैं भी साथ में चलूंगी। कहती थोड़ा मैं डॉक्टर दो चेक। पापा ना डरते हैं थोड़ा कि अर्षी जाएगी फिर बोलेगी उधर डॉक्टर के सामने, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, सुनते नहीं है। बोलूंगी डॉक्टर साहब लड़का हमारा नहीं सुन रहा है, क्योंकि यार बैक पेन है तो फोर व्हीलर ही प्रेफर करनी चाहिए है। पापा मोस्टली स्कूटी ले आते हैं इधर उधर, असि इन्होंने इन बारी बोलते हैं फोर व्हीलर ले जाओ। नहीं लेके जाना चाह रहे अर्षी को, क्योंकि वो शिकायत लगाएगी डॉक्टर को कि सुनते नहीं है। कहते मैं आपको आऊंगा, अर्षी कहती नहीं मैं चलांगी तो चलांगी। तो इनको भेजते हैं पहले ही, फिर देखेंगे फिर चलेंगे। फिर नहीं अर्षी आता टाइम मेरे को फोन करेगी, फिर चपाती वगैरह बनाएंगे। आज तो कड़ी बनी है, भूख डबल ट्रिपल हो गई है। तो डांट तुसी कड्डी ते क्यों नहीं जा रहे हो गाइस? इनको बोलो गाड़ी लेके जाया करें। किस वास्ते जा रहे हो डॉक्टर को जब तुसी स्कूटी चलानी है? तो अर्षी कहती मैं गिले गिले बाल बन लेन सिर, तो क्या ये जुआ नहीं पे जाना? अगर जुआ पे पापा जिम्मेवार होंगे। डॉक्टर को डराएगी पागल, गन शनी है पागल। तू ये ऐसा बना के जा रही है तो अच्छा, भूख लग रही है खाना बना देना। इंस्ट्रक्शन देखो इनकी, देख रहे हो? मैंने कॉल करी मैं फिर बनाऊंगी। अरे मेरे बाल कितों निकले देने यार, पहले मैं अपना हुलिया भी थोड़ा ठीक कर ला। दीदी आ चुकी है वापिस और टमरी मार के अंदर जा रही है। खाली फुलके खिलाएगी आज, ये देखो गाइस खाली फुलके खाएंगे आज आप, ठीक? और ये देखो क्या बोला डॉक्टर ने, दवाई दे दी, दवाई दी है बस। और क्या बोलना, एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी कराओ, तो तुसी अपनी परहेज भी करो। स्कूटी बंद कर दी है पापा की गाइस, ठीक है चलो अभी हम लंच कर लें, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस लंच वगैरह हमने कर लिया था एंड अभी सभी जा चुके हैं रेस्ट मोड पे। ये देखो पापा लेटे हुए इधर, इस साइड लेटी हुई अर्षी, अपनी खाबों खानों में लेटी हुई है। अभी मैं भी जाके लेटती हूँ, रेस्ट करती हूँ। लैपटॉप भी देख के आंखें बाहर आ गई हैं, फ़ोन रखते हैं चार्ज पे, शाम को मिलते हैं हमसे। गुड इवनिंग,
तो यार आपको हमारी शक्लें थोड़ी ताज़ी ताज़ी लग रही होंगी क्योंकि हम सो के उठे हैं, एक डेढ़ घंटा सो लिए थे, फिर अर्शी ने उठ के चाय शाय बनाई, अब कपड़ा प्रेस कर रही है, गाइस कुर्ता प्रेस कर रही है। तो बेसिकली हम जा रहे हैं मासी के, मैंने बताया था ना गुरनूर, गुरनूर अपना कर लिया, देखा गाइस कैसे खुद गर्ज दी दी है, अपना कर लिया, मेरा किया ही नहीं। चाय बना के बर्तन धो के भी गाया तो जिता भी दिन दिए, तो कम कर दिए। और मैंने आपको बताई थी जैसे तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा हम भी पता कर आते हैं, दो तीन दिन से वो बीमार था, एंड मम्मा को भी ले आएंगे साथ में, तो अभी होते हैं रेडी। मन तो कर रही हूँ घर वाले कपड़े पा के चल जाओ, घर पर ही जाना है यार, जो मर्जी डाल के चल जाओ। तो गाइस हम हो गए हैं रेडी, एंड वही घर वाले कपड़े जो बेसिक है वो पहन के, मेरे को तंग कर रहे हैं यार, कहते तू गाड़ी चला के ले जाएगी, मैंने बोला मैं थोड़ी मतलब कम रश हो तब चला सकती हूँ, तभी तो मैं सुबह 6:30, 7 बजे भी चलाती हूँ, सुबह 8 बजे भी, अब भी इस टाइम एक्सट्रीम रश होता है यार, लोगों ने कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ घुसाई होती हैं, और ये पापा को बोलती पापा इसको लगा, और पापा मान ही नहीं रहे, कहते तू चलाएंगी तो तू चलाएंगी, यार इस तरह ना करो यार, ऐसे ना यार डांटती रहती है, जब देखो ना एक बंदा नहीं को फंसा दिया है, खोलती है तुम चलाओ यार, अल्लाह की पापा इस टाइम बहुत रश होता है यार, तुझे देखा नहीं यार कि ना रश होता इस टाइम रानी तलाब तू, यार गाइस ये नहीं मान रहे यार, पापा नहीं मान रहे, मेरी वाट लगी है। तो गाइस पहला टास्क है गाड़ी बाहर निकालना गेट से, एंड आवर ड्राइवर इज रेडी। यार एक तो गाइस ये गाड़ी ना थोड़ी बड़ी है हमारे अकॉर्डिंग, फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग, जैसे ये देखो, तो इसीलिए थोड़ी हमें डिफिकल्टी आती है। कट 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 कट, वेरी नाइस, ये छूफा करके ना एक इधर गाइस, ये तो चलो निकल गई है। इस लड़की आज कमाल कर गई है, बहुत सुंदर गाड़ी ड्राइविंग। पापा गाइस बिल्कुल डरे हुए सहमे हुए बैठे हैं, हैंड ब्रेक पे पापा का हाथ है बिल्कुल। हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, एंड अब तक तो हमारी जान बच गई है, काफी अच्छी गाड़ी चली है, अब आगे का बताते चलते हैं। बहुत ज्यादा कान में रू डाल के आना चाहिए गाइस गाड़ी चलाने में, इन सिस्टम जो है ना एक दिन इन सबको बिठा के इन्होंने समझान जोगे लाइटा मार दे, अले तू ज्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर ना बन लाइटा मारने वाली। गाइस पापा की प्यारी लाडली कार को कुछ नहीं होना चाहिए, पापा बोलते हैं खड्डे में भी मत डालो, पीछे रोक दो गाड़ी। गाइस ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं बबलियाना, ये एमबीएस कॉलेज है। चलो फाइटर है, चल चल शाबाश पूरी कर दे, बहुत इजी, क्लच एंड ब्रेक। थोड़ी ऑफ रोडिंग भी हो गई है, आगे घोड़े आ गए हैं, अब हम पहुंच चुके हैं उनके घर फाइनली, एंड ठीक था आज का सफर हमारा, सलामत पहुंचा दिया मैंने, अपनी जिम्मेवारी पूरी की है। चलो चलते अंदर, बोल गाइस को बोल मैं ठीक हूँ, अब बता ठीक हूँ। इंटेस्टाइन गाइस इसको इन्फेक्शन हो गई थी इंटेस्टाइन में, अब ठीक हो गया ये है ना, क्या लग रहा है तुझे क्या कारण हो सकता है बता ना, फिर हमारी ऑडियंस फिर परहेज कर रहे हैं उससे। मोमो खाए थे नहीं बेचारे ने कुछ नहीं खाया, स्विमिंग स्विमिंग वाला गंदा पानी पी गया है गाइस, इसने ना स्कूल में स्विमिंग ज्वाइन की हुई है, वहाँ का शायद गंदा पानी इसके मुंह में चला गया है ना, इसीलिए इस गुरनूर को ये मिली थी पंजाबी वाली गड़ी गिफ्ट। कविता बोलते बोली सी मुंडे ने बैसाखी थे, और पढ़न जाता है गुरमुखी पढ़ने भी जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप हो गया ना क्या, तब मैं इसको बुलाऊंगा, बोलता नहीं है। बाय बाय, ओके ध्यान रख अपना, मुंडा साडा कमजोर हो गया, बाय गुरनूर। चलो गाइस अभी निकलते हैं, एक चीज आपको दिखाते हो, चलो उन्होंने पैरेट लाया है, क्या नाम है इसका, टाइसन, 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 ओए मिट्टू
अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, तो अभी पापा को मैंने दी ड्राइव करने के लिए, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया ना, तो अंधेरे में कभी ट्राई नहीं किया, करूँगी धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी। ये देखना साइड में गाड़ियाँ, देखना किस तरह पापे दी रोड नहीं, हम दूसरी गाड़ी निकलेगी किस तरह, थोड़ा सा दिमाग लगान, दिमाग ही नहीं लगाते। सो गाइज हम आ गए थे वापस, बट यार लोगों ने हद मचाई हुई है ना, साइड पे ऐसे गाड़ी खड़ी करके बस चले जाते हैं, दूसरे बंदे की जगह ही नहीं होती, इतना गुस्सा आता है ना मेरे को उस टाइम पे, पर क्या ही कर सकते हैं यार, डीट हैं लोग भी, डीट हैं हम भी, गाड़ी निकाल के डीट होंगे तरह लेके जाते हैं क्या करें। तो गाइज अभी साइड आउट हो गया, बस डिनर का टाइम हो गया, तो फाइनली मम्मा आ गई घर पे, तो अभी बस डिनर वगैरह करेंगे, फिर मुझे लैपटॉप पे काम है, कब से सोच रही हूँ करूँगी करूँगी करूँगी, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, फिर रह जाता है, तो वहीं मैं बैठ जाऊँगी, उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ, ऐसे ही प्यार देते रहो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओह माय गॉड गाइज ये क्या हो रहा है, फैन एकदम से कहाँ से आ गया, पंखा देखना खुद ही चल रहा है और लाइट बंद हो चुकी है यार, शिट, पापा बेचारे इधर लगे दिन गेट नो करन कंट्रोल, आज लाइट नहीं आती गाइज, मेरे तो 100% भावें एफिडेविट तो लिखा के लै लो, इन्नी सारी हवा चलती नहीं है तो लाइट बंद हो जाती है, अज तो बाकायदा तूफान चलिया यार, आज पता नहीं किन्ने बूटे तो किन्नी गड्डियाँ किन्ने ट्रक ट्राले डिगे होने यार, शिट यार गाइज आज जगराता करना पड़ेगा, लग रहा है जो आसार है।